ठीक है। सत्र पांच जगह थे सेट पेज लेआउट, पेज लेआउट को कैसे सेट किया जाता है, ठीक है। तो पेज लेआउट के अंदर कौन कौन सा ऑप्शन आते हैं हम देखे थे कि मार्जिन आती है, ओरिएंटेशन आता है, मार्जिन में चारों तरफ जो जगह छोड़ते हैं उसको ओरिएंटेशन, लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट होगा वो देखे थे, हेडर और फुटर ऊपरी छत में जैसे है कोई भी पेज के ऊपर में क्या लिखना है उस सब से संबंधित जो हेडर में आएगा, और पेज के नीचे क्षेत्र में जो है उसको फुटर कहते हैं उन चीजों को। हाइट और डिस्प्ले ग्रिड लाइन, जो ग्रिड लाइन है उसको हाइट डिस्प्ले कैसे किया जाता है उसको देखेंगे। देखिए पेज की साइज क्या होगी जो एडजस्ट कर सकते हैं, प्रिंट एरिया डिफाइन करना और बैकग्राउंड को निर्दिष्ट करना कि बैकग्राउंड में कोई पिक्चर्स डालना है या फिर कलर डालने उनसे संबंधित चीजें, ये सब चीजें हम लोगों ने पिछले जो है सत्र हुआ था उसमें क्लास में देखे थे। आज हम देखेंगे 17-6 क्या है वर्कबुक पे, ठीक है। वर्कबुक आप जो है आपका आपका एक्सेल में उसको आप कैसे समझ पाएंगे, कैसे देखेंगे, क्या क्या चीजें हैं, किस किस तरीके से देख सकते हैं, उसको बोलता है व्यू बोला जाता है, ठीक है। स्पेशल में जो यूजर के द्वारा प्रिंट के पहले जो सीट के परिणाम को व्यू कैसे किया जाता है, कौन कौन सा, इसमें आपको पांच व्यू मिलेंगे, क्या पांच व्यू। पहला है जो है वो नॉर्मल व्यू है, बाय डिफॉल्ट जो है नॉर्मल व्यू पे ही रहता है आपका पेज, व्यू दिखाई देता है तो नॉर्मल व्यू हो गया। दूसरा हो गया पेज लेआउट व्यू, ठीक है। पेज लेआउट व्यू मतलब है कि आपका जो सीट होता है बहुत बड़ा होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे रो और कॉलम्स होते हैं, तो उसमें एक ए फोर पेपर या फिर आप कोई भी पेपर सेट करते हैं तो उसमें कैसे दिखाई देगा, किसकी साइज है तो वो कैसे सेट होगा, तो आप पेज लेआउट पे जाके उसको देख सकते हैं। उसके बॉर्डर देखेंगे कि मार्जिन क्या होगा, जो हमने चैप्टर जो है सत्र जो पांच में देखे वो सब चीजें पेज पे ही काम होगा, तो वो चीजें आप तब कर पाएंगे जब आप पेज लेआउट पे जाएंगे, ठीक है। तो पेज लेआउट का रिव्यू हो गया। तीसरा है पेज ब्रेक प्रीव्यू, क्या पेज ब्रेक प्रीव्यू, आपका सीट को पेज में ब्रेक बांटेगा कि ब्रेक करेगा कि आपका जो बड़ा सा सीट है उसमें कितने कितने पेज हैं उसको समझने के लिए, तो वो डैश लाइन है ना लाइन खींचेगा कि जितना एक पेज पूरा होता है तो उसमें डैश लाइन है डॉट डॉट करके रहेगा, तो वो आपका लेफ्ट साइड और नीचे साइड में रहेगा, तो वो आपको बताएगा लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है उसको समझ पाए, तो ये पेज ब्रेक व्यू है, ठीक है। कस्टम व्यू, ये आपके द्वारा कस्टमाइज करिए, तो यूजर्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, और होता है क्या फुल स्क्रीन, मतलब आपके जो कंट्रोल्स है वो दिखाई नहीं देंगे एक्सेल को, ये पूरे पेज मतलब पूरे स्क्रीन पे दिखाई देने लगे, ठीक है। ये चीजें हैं आपका क्या होता है वर्कबुक के रिव्यू है ना, व्यू है, ठीक है। कितने हैं पांच, नॉर्मल, पेज लेआउट, पेज ब्रेक, कस्टम और फुल स्क्रीन, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है कि आपको क्या है व्यू टैब में जाएंगे है ना, ऊपर में टैब देखते हैं होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, इस तरीके से, तो अंतिम जो होता है क्या होता है व्यू टैब होता है। व्यू टैब में जब से क्लिक करेंगे तो आपका वर्कबुक व्यूज दिया है, ठीक है। ये वर्कबुक व्यू ये ग्रुप है उसके अंदर आपको दिखाई देगा, जिसमें तीन मुख्य है नॉर्मल, पेज लेआउट और पेज ब्रेक, उसके बाद एक लाइन खींचने के बाद यह कस्टम व्यू जिसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और फुल स्क्रीन, ये टोटल पांच व्यू है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे वर्क करता है उसको, ठीक है। इसके अलावा आपको जैसे यूज करना है फाइल रिस्टोर करने के लिए फुल स्क्रीन, इसको स्टेप देखते हैं। नॉर्मल व्यू स्पेसिफिक एप्लीकेशन, डिफॉल्ट का नॉर्मल व्यू है जिसमें वर्क एरिया को व्यवस्थित सेल का कलेक्शन होगा, नॉर्मल व्यू जो जैसा भी है उसको ऐसी चीज दिखाई, डिफॉल्ट व्यू है। और क्या बोला कि पेज लेआउट में क्या होगा, आपको जो है वर्क से जल्दी से फाइल चुन के लिए पेज लेआउट व्यू को चुन सकते, जिससे बड़ी संख्या में चार्ट और डेटा होता है और पेशेवर तरीके से परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आपको प्रिंट आउट करने से हम पेज लेआउट देखते हैं और उसकी पूरा जो पेज सेटअप है वो इसी पेज लेआउट व्यू पे ही करते हैं, ताकि आपको तुरंत उसको देख सकें और सटीक जो परिणाम आ सके, ठीक है। पेज ब्रेक व्यू में क्या होगा, पेज ब्रेक व्यू विकल्प तो समान है और ये क्या है कुछ ऐसे हिस्से सेव नहीं कर सकते जो पेज ब्रेक डालने के बाद पेज के तौर पर तो ज्वाइन हुआ तौर पर सेट किया जा सकता है, ठीक। क्या है कस्टम व्यू, इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, कस्टम व्यू में ऑप्शन उपयोग करके हम कर सकते हैं, कॉलम और पॉइंट को जो आउट करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। फिर फुल स्क्रीन में क्या बताया गया है कि ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए पेज वर्कबुक पूरे स्क्रीन को कवर करता है और सभी टेप की से व्यू को हाइड कर, जितने भी टेप है उन सब चीजों को हट जाएगा। टेप को वापस लाने के लिए हम क्या करेंगे, फाइल जो है एरो निशान होगा रिस्टोर पर क्लिक करके हम वापस आ जाते हैं, फुल स्क्रीन हो गया है तब,
ठीक है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि स्प्रेडशीट में आप कई विंडो खोल सकते हैं, अलग अल अलग विंडो है उसको खोल सकते हैं, जिसमें मल्टा जो स्प्रेडशीट है डिस्प्ले होती है, और फिर आप कई तरीकों से इन विंडो को व्यवस्थित कर सकते हैं। जितने आपका पेजेस जितने आप फाइल खोलते हैं उतने हम विंडो खोल सकते हैं, उसको अलग अलग करके देख सकते हैं, ठीक है। अब यदि आप अलग अलग विंडो खोलते हैं तब क्या करेंगे, आप ग्रुप विंडो ग्रुप में जाएंगे और वहां वो क्या होगा, आपका व्यू टैब में जाके न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे तो नए विंडो पे वो खुल जाएगा। और मल्टीपल प्रोग्राम विंडो को अरेंज करने के लिए आपको दिया गया है क्या कि विंडो ग्रुप दिया है, उसमें अरेंज ऑल दिया है बटन है, उसमें यूज करेंगे और डायलॉग बॉक्स का रूप में सेट कर सकते हैं। टाइल्ड है ठीक, छोटा छोटा बॉक्स जो है, टाइल्ड मतलब टाइल्स की तरह है, मतलब छोटे आपके पूरे स्क्रीन में अलग अलग जो फाइल है वो दिखने लगेगा। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होगा कि अगल बगल में दिखने लगेगा, दो फाइल है तो अगल बगल, ठीक है। वर्टिकल मतलब ऊपर नीचे दिखने लगेगा, कैस्केडेड मतलब एक के ऊपर एक आएगा ये साइड से, ठीक है। तो इस तरीके से कैस्केडेड व्यू है उसको देख पाएंगे। ये ऑप्शन दिया है ओके पे, जो भी ऑप्शन है क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करके चले जाएंगे। चलिए हम आप एक्सेल पे आते हैं, ये एक्सेल है, हम लोगों ने पिछले बार जो किया था ठीक है, फाइल को काम किए थे, ये वही फाइल है कंडीशनल, उसके बाद हेडर फुटर देखे थे और ये ठीक है। हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसका रीनेम कर देते हैं वर्क वर्क ग्रुप व्यूज। अब देखो व्यू में है ये, अभी जो दिखाई दे रहा है एक्सेल, ये कैसा है आपका व्यू, ये नॉर्मल व्यू है। आप इसको कैसे देखेंगे, व्यू टैब में जाएंगे, होम इंसर्ट पेज लेआउट फॉर्मूला डेटा रिव्यू के बाद व्यू क्लिक किए। इस व्यू में आने के बाद पहला जो ग्रुप है वो है वर्कबुक व्यूज। वर्कबुक व्यू में जाएंगे तो पहला क्या है, नॉर्मल व्यू है, तो इसको आपको सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट व्यू है, पहले से ही सेलेक्टेड है, ठीक है, इसमें सभी रो कॉलम दिख रहे हैं। दूसरा है क्या, पेज लेआउट व्यू। पेज लेआउट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो है इस शीट जो है वो पेज में बट जाएगा। देखो बहुत सारे पेज है, मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। ये देखो ये पूरा आपका जो शीट है वो पेजेस में बट गया है, ठीक है। आप यहाँ पे पहला पेज पे है जो ज्यादा वाइड दिख रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। अब ये देखो ये पोर्ट्रेट है, चौड़ाई कम है और ऊंचाई इसकी ज्यादा है। हम इसको यदि पेज लेआउट पे जाके चौड़ाई करेंगे, ओरिएंटेशन बदल देंगे तो वो चौड़ाई बढ़ जाएगा और हाइट उसकी कम हो जाएगी, ठीक है। वापिस आ जाते हैं नॉर्मल में, क्लियर हुआ। आप इसको एडजस्ट करते जाएंगे तो एडजस्ट हो जाएगा, जैसे जे तक आ रहा है, यदि किसी का कॉलम बढ़ेगा तो वो आगे बढ़ जाएगी, ठीक है, आई तक हो गया। यदि किसी का रो बढ़ता है चौड़ाई तो वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ। ये क्या है आपका, पेज पेज लेआउट, ठीक है। उसके बाद है पेज ब्रेक, है ना। आपका यदि नॉर्मल में आते हैं तो ये पेज ब्रेक ऑप्शन आ जाएगा कि आपका पेज को कट करेगा, किस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये देखो जहां पे कंटेंट है ओके करें। अब देखो यहाँ पे जितना कंटेंट रहेगा उसको दिखाएगा, यहाँ पे पूरा कैसा हो गया, धुंधला हो गया, ठीक है, क्योंकि तो हमारा कंटेंट नहीं है। हम वापिस आते हैं और यदि हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, ठीक है, कंटेंट लिखा हुआ, तो ये उतना ही दिखाएगा जितने में आपका क्या है, कंटेंट है पेज। तो जहां तक कंटेंट है, जहां तक आपका डेटा है, उस तक वो क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, उसी को ही दिखाएगा, शो करेगा, ठीक है। इतना कंटेंट जो है आपका पेज ब्रेक है कि पेज इतना डेटा है, यदि सिर्फ यहां बस रहता तो इतना बस को दिखाता, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, गया और ये देखते हैं, जितना डेटा है उतना ही शो करेगा। मैं यहाँ पे भी कुछ लिख दिया और पेज व्यू करता हूँ पेज ब्रेक, तो ये उसको दिखाएगा। देखो एक पेज में यहाँ पे डॉट भी है, तो एक पेज में ये है और दूसरे पेज में ये है, समझ में आया कि जितने में कंटेंट है, हमारा जो डेटा है जो शीट बना हुआ है उसी के हिसाब से इसको क्या करेगा, व्यू कराएगा पेज को, उतने दिखाएगा, खाली जगह को वो शो नहीं करेगा, क्लियर।
अगला है कस्टम व्यू, नॉर्मल में आ जाते हैं। ठीक है, कस्टम व्यू अभी हाइड है ये, हम फुल स्क्रीन पे आ गए, फुल स्क्रीन देखेंगे कैसा होगा। तो क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन, आपका जितने भी कंट्रोल था वो हट जाएंगे। उसके बाद हम वापस कैसे आएंगे, तो फाइल पे जाएंगे तो वहां पे एरो निशान है, उस पर क्लिक करेंगे। ये है रिस्टोर, ये फाइल का है, ऊपर क्लिक करेंगे और रिस्टोर पे क्लिक कर देंगे तो ये वापस आ जाएगा। ठीक है, फुल स्क्रीन फाइल पे गए और रिस्टोर ये दिखाई देगा। क्लियर हुआ? इतना क्या हुआ आपका, किससे संबंधित है, व्यू से संबंधित। आप बोले कि हमने बोला कि मल्टीपल विंडोज के, तो विंडोज पे हम जाएंगे, यहाँ पे न्यू विंडो में क्लिक कर देंगे तो वो नया आ जाएगा। ठीक है, ये है न्यू विंडो, कोई चीज खोलना है तो न्यू विंडो पे खोल सकते हैं। जैसे ये है विंडो के अंदर न्यू विंडो, उस पर क्लिक करेंगे तो नया विंडो खुल जाएगा। ये है बिल, एक पहला है ये और ये दो है ना, ये आप और एक कर देता हूँ, तीन तीन बार क्लिक किया है। तो अब देखो अरेंज ऑल, जितने भी विंडो है एक ही फाइल को अलग अलग दिखाया गया है, तीन विंडो खुला हुआ है। तो मैं कैसे है, तो अरेंज ऑल, ऑल को अरेंज करते हैं तो कैसा होगा, इस तरीके क्या है, टाइल्ड करना है। ठीक है, टाइल्ड के रूप में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, टाइल्स में करता हूँ, देखो एक साथ आ जाएगा। चलिए, तीन बार क्लिक किया था तो ये क्या है, बिलिंग स्टेटमेंट फाइल का नाम है तो वही है, बिलिंग स्टेटमेंट 1:3, 1:2, 1:1। तो इस तरीके से तीन जो है टाइल्स के रूप में दिखा दिया। मैं एक बार और यदि करता हूँ क्या, न्यू विंडो, तो देखो चार हो जाएगा। और फिर यदि क्लिक करेंगे तो अरेंज ऑल टाइल्स किया, ये चार हो गया। देखो ये क्या है, 1:1, 1:2, 1:3 और 1:2, ये क्या है, चार विंडोज बन गए। जिसको क्लिक करना है उसको डबल क्लिक करके हम बड़ा कर सकते हैं ये, इस तरीके से। ठीक है, इसको करना है इसको कर देंगे। ठीक है, टाइल्स में देखो अलग अलग टाइल्स दिख रहा है। आप यदि अरेंज करना है हॉरिजॉन्टल, मतलब ऊपर से नीचे रहेगा है ना, अगल बगल रहेगा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है, एक के ऊपर एक सभी हो गया है ना, ये 1:2, 1:2, 1:4, 1:3 और 1:1। वैसे ही वर्टिकल करेंगे तो खड़ी में आ जाएगा, सभी इस तरीके से आ जाएगा। एक दो तीन चार, 1, ये 2, ये 3, ये 4। वैसे ही हम एक और क्या है, कैस्केडेड, एक के ऊपर एक आ जाएगा, मेरे 1, 3, 4, 2। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, कैस्केडेड कहलाता है। क्लियर सभी को? और जिसको क्लोज करना है हम क्लोज कर सकते हैं, फुल स्क्रीन करेंगे तो पार्सल टू ये क्लोज हो जाएगा। यहाँ तो समझ में आया सभी को? आ गया। ठीक है, ये आपके व्यूज संबंधित है, अलग से काम नहीं है। जब आप प्रिंटिंग करते हैं या फिर एक से दो टेबल पर काम करते हैं, रिपीट करना है, चेंजेस करना है, तब करेंगे। और उसको क्या कर सकते हैं, फिर सेव करेंगे तो आपका ओरिजिनल जो फाइल है उसी में सेव होगा। ठीक है, तो न्यू विंडो में काम कर सकते हैं, अलग अलग सेक्शन में। मान लो कि यहीं पे हम देखते हैं कि आपका जो है पेज जो है एक सेक्शन में ए से लेके एफ तक में काम है। ठीक है, लेकिन उसी सीट पे हमें क्या काम करना है, कि मान लो कि वी और से जेड है वो वाले कॉलम में काम हो, तो एक साथ तो दोनों कॉलम दिखेगा नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टी विंडो कर, नया विंडो में खोल करके दोनों को अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, मैं एक बार और दिखा देता हूँ। जैसे ये हमने दो खोला हुआ है, देखो ये क्या है, पहला है, मैं इसको कैस्केडेट कर देता हूँ। ठीक है, अरेंज कर देते हैं हम, इसको वर्टिकल ले लेते हैं। ठीक है,
ओके, तो दो साइट हो गया, दोनों एक ही है, ठीक है, बिलिंग देखेंगे तो दोनों एक ही है, देखो सेम है। अब मैं यहाँ पे इस वाले सेक्शन पहले वाले में हूँ और इसी फाइल के मेरे दूसरे शीट में जाना है तो मैं इसमें चले जाऊँ, लेकिन हम दोनों को एक ही फाइल रहेगा तो क्या हम दूसरे शीट पे जा सकते हैं क्या, कि दोनों का शीट पे एक साथ देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते, या फिर एक ही शीट के अलग अलग हिस्से को नहीं देख सकते, एक ही शीट है लेकिन हम विंडो खोलेंगे तो हम देख पाएंगे, ठीक है, ये देख, ठीक है, इसमें भी है। तो ये क्या है, विंडो का उपयोग है कि आप अलग अलग चीजों को एक ही फाइल के अलग अलग हिस्सों को कैसे देखते हैं, तो ये इस तरीके से देख पाएंगे। या फिर अलग अलग शीट का डेटा देखना है तो हम एक दूसरे शीट का डेटा को देख के दूसरे शीट पे मेंशन कर सकते हैं, ये कैसे संभव होगा, ये विंडोज के उपयोग करके होगा, क्लियर। चलिए मैं बंद कर रहा हूँ। कौन कौन है आज, राजकमल, सचिन, शिव शंकर और सूर्या, सूर्या सूर्या, यस सर। हाँ तुम्हारा आज फर्स्ट क्लास है। अच्छा हाँ सर। ये सीजी स्कूल में रजिस्टर हो गया है तुम्हारा, हो गया है ना, तो उसी से जुड़े हो ना, हाँ। ठीक है। अब कंटिन्यू क्लास अटेंड करना, जो रहता है 4 बजे क्लासेस रहती है ना, ग्रुप में हो ना, व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक, हाँ सर। चलो ठीक है, जैसा भी होगा उसको कर लेना, है ना, और बिल्कुल। असाइनमेंट जमा नहीं किए हो ना, हाँ सर। क्या आप नहीं आए थे। हाँ, तो वहां पे जमा करके आए हो, यदि जमा नहीं किए होगे नहीं तो सर। हाँ, वो वहां पे जमा कर सकते हो, कल भी जाके कर सकते हो, लेकिन उसका जो है क्या बोलते हैं,